बेवरेज की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो ये हेज़लनट हॉट चॉकलेट का जो ऑर्डर किया है मैंने, उसकी फ्रॉथिंग देखेंगे कि इसमें फ्रॉथ कितना है और इसका टेस्ट क्या होता है। ये हेज़लनट हॉट चॉकलेट, इसमें मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेस्ट वाइज उसमें ज़्यादा चॉकलेट नहीं होना चाहिए। इसमें चॉकलेट बहुत ज़्यादा है। हेज़लनट तो आप जानते हैं, हेज़लनट बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। उसके बाद आपका जो है एस्प्रेसो शॉट होगा, मैंने सिंगल शॉट एस्प्रेसो ऑर्डर किया है। अब एस्प्रेसो का टेस्टिंग स्टेप तो आपको पता ही है कि क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तीन स्टेप हो गया इसमें, अभी पहले मैं डाल देता हूँ। पहले आप इसमें क्रेमा देख लीजिए, क्रेमा कितना ज़्यादा अच्छा क्रेमा है। फिर उसके बाद एस्प्रेसो को स्मेल करना है, सूंघना है। सूंघ करके आपको पता चल जाएगा इसकी फ्रेशनेस और क्वालिटी के बारे में। फिर उसके बाद आप एक को एक सिप लेना है, तो सिप एक बार आप जब कॉफ़ी पीते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका टेस्ट में मतलब क्या है, मीडियम कॉफ़ी है, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कॉफ़ी ये है भी, जैसे एस्प्रेसो और सुमात्रा कॉफ़ी या जो भी है। तो ये प्योर 100% कॉफ़ी था, तो इसमें एस्प्रेसो हो गया। फिर उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस को शो अप करते हैं कि आपको कैसा कॉफ़ी लगा, इसमें कौन क्या एक्सपीरियंस आपका अभी तक से ये कॉफ़ी के साथ में रहा है। मीडियम हो गया आपका। उसके बाद आपको जो है कि इसमें अगर आप चॉकलेट कुकीज़ के साथ में आप ट्राई करते हो ये कॉफ़ी को, तो आपको फ्लेवर वाइज चॉकलेट और कॉफ़ी का कम्बिनेशन एक आपको आएगा, तो जो आपको अच्छा फील करेगा अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे अगर खाते हैं चॉकलेट क्रोजन वगैरह ले सकते हैं। चॉकलेट क्रोजन हो गया आपको, बटर क्रोजन हो गया, तो एक अच्छा कम्बिनेशन कॉफ़ी के साथ में ये होता है। अभी तक का एक्सपीरियंस जो है कि ये रहा है कि अगर कॉफ़ी तो बहुत अच्छा था, बट हेज़लनट हॉट चॉकलेट में जो है कि ज़्यादातर से अगर हेज़लनट आप ज़्यादा डाल देते हो तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। बट ऑल इन ऑल जो मिल्क का स्टीम करने का प्रोसेस जो है, मिल्क बहुत ही क्रीमी है, अच्छा रहा है। तो कभी भी आप कॉफ़ी या तो एस्प्रेसो अगर लेते हैं, देखते हैं, तो टेस्टिंग स्टेप और स्मेल से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि कॉफ़ी का क्या है हिसाब किताब है, और टेम्परेचर बाय टचिंग आप जो है कि आप समझ जाते हैं कि टेम्परेचर इसका कितना होगा।